क्या हुआ समिया, तुम रो क्यों रही हो? घर वालों की याद आ रही है तो मैं तुम्हें ले जाता हूं मिलवाने। अभी कुछ ही तो दिनों में यहां पे शिफ्ट हुए हमें। नहीं सलीम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं दरअसल मैं रिपोर्ट्स को लेके बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ है? रिपोर्ट्स में क्या है? आप खुद ही देख लें। समय मुझे बता दो ना, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? मैं कोई पहेली नहीं बुझवा रही, ये खुद ही देख लें। ये तो गायनाकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है, तुम्हारी है ये तो? तुम मां बनने वाली हो और तुम रो रही हो, क्या अजीब बात है। वैसे बजाय तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम रो रही हो बैठ के। मैं परेशान हूं, पता नहीं खुशी की खबर है लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। समिया खुदा के लिए, वो दरअसल रायान की बात और थी, लेकिन अब मैं जिन हालात से गुजरी हूं, मैंने जो कुछ देखा है, जो कुछ सहन किया है, मैं बहुत डर गई। अभी अगर अल्लाह ताला ने हमें बेटी अता की तो मुझे उसके नसीबों ओ से। खुदाया, समिया बेटी अल्लाह की रहमत होती है और इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं करते, अल्लाह सख्त नाराज होता है। लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? कुछ नहीं होता, सबके साथ जिंदगी में बुरा नहीं होता। कि तुम्हारे साथ अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो गया है तो अब तुम अच्छी लाइफ नहीं गुजार रही क्या? इम्तिहान तो इंसान का साथ साथ ही है, अच्छा और बुरा वक्त आता जाता है और हर इंसान का नसीब अलग होता है। लाजमी नहीं जो तुमने बर्दाश्त किया वही कल को बेटी बर्दाश्त करेगी, या उसका नसीब भी तुम्हारे जैसा होगा। मैं मानती हूँ बेटियां रहमत होती हैं, लेकिन लेकिन मुझे उसके नसीबों से बहुत डर लगता है। मैं नहीं चाहती जो कुछ मेरे साथ हुआ वो उसके साथ हो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। भाई तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना तुम्हें घबराने की जरूरत है, तुम रिलैक्स करो। और तुमने अम्मी को बताया? नहीं, मैं इतना घबरा गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या कहूँ, किसको बताऊँ। बस तुमने रोना शुरू कर दिया, घर वालों को नहीं बताया? अच्छी भाई उनको बताओ खुशखबरी। एक काम करते हैं कि फाइज को, तहरीम को और मुमानी को खाने पे बुला लेते हैं। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, हमें हमें उन्हें खाने पे बुला लेना चाहिए और तभी उनके साथ ये न्यूज़ शेयर करनी चाहिए। बहुत खुश होंगे सब।